तो गाइस पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि भाई हम किसी तरह उस मॉन्स्टर को मार के जैसे ही अपने वर्ल्ड में वापस आते हैं वहां पे हमारा घर जला हुआ था। थोड़ी देर बाद ही हमको पता चलता है कि आज है टूर्नामेंट वाला दिन जिसका इंतजार हमको काफी दिनों से था। अब इसके बाद हम निकल पड़ते हैं टूर्नामेंट के लिए, लेकिन अभी तक NTT 303 का पता नहीं था जिसने कि हमको उस मॉन्स्टर के पास OP वेपन एंड टूल्स लाने के लिए भेजा था। खैर इसके बाद ऋषभ कुछ अपना सामान भूल जाता है और उस सामान को लेने के लिए वो वापस जाता है एंड मैं और पांडे डिसाइड करते कि हम टूर्नामेंट एरिना में पहुंचते हैं जिससे कि उनको ये ना लगे कि भाई हम डर कर नहीं आए। अब मैं और पांडा पहुंच जाते हैं और इसी के साथ हमारे और हीरो ब्रेन गैंग के बीच स्टार्ट होती है PvP और तीन में से जो दो जीतता वो बनता विनर। पहला राउंड पांडा का था जिसमें वो हार गया, दूसरा राउंड मेरा था जिसमें कि मैं जीत जाता हूँ और अब बारी थी तीसरे राउंड की, लेकिन ऋषभ का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। अब हम काफी ज्यादा उसका इंतजार करते हैं लेकिन तभी एंट्री होती है NTT 303 की और वो बोलता है कि वो एक नॉर्मल प्लेयर की तरह PvP करेगा और हम भी मान जाते हैं क्योंकि ऋषभ को कुछ अता पता नहीं था। तो हमें किसी न किसी को तो लड़वाना ही था और हम तो सिर्फ एक ही बंदे को जानते थे जो कि NTT 303 था। अब NTT 303 जाता है और भाई वो भी हार जाता है और स्कोर के मुताबिक हम हार जाते हैं, लेकिन तभी ऋषभ आता है और वो बताता है कि ये जो आपको देखने को मिलेगा हमारी गुलामी का डे 1 एंड डे 1 में एक ऐसी चीज होती है जिसने हमको हिला के रख दिया। अब इससे पहले हम आज के इस वाले कमाल के एपिसोड में आगे बढ़े, आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्द से उस लाइक वाले बटन को दबा दीजिए और गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार क्या कर रहे हो। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है एंड साथ साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस इसी के साथ चलते हैं आज के इस वाले कमाल की वीडियो की तरफ। तो चलो गाइस फिर अब करना क्या है भाई, अब क्या करेंगे, अब उन्होंने तो बोल दिया हमको तैयारी करने के लिए, अब हमारे पास ऑप्शन ही कुछ बचा नहीं है। भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि मेरे पीछे सारी मुसीबतें पड़ क्यों जाती है, और अभी की बात करें तो भाई सब कुछ ठीक चल रहा था और हम टूर्नामेंट जीत भी रहे थे, लेकिन भाई एक तो इन्होंने चीटिंग करी और ऊपर से जबरदस्ती अब हमसे गुलामी भी करवा रहे हैं। भाई हमारे हाथ में भी तो कुछ नहीं है भाई, एक तरफ हम नॉर्मल प्लेयर्स और दूसरी तरफ माइनक्राफ्ट के मोस्ट पावरफुल मॉब्स और उस NTT 303 ने भाई हमको धोखा दिया यार। भाई तीनों ने हमको धोखा दिया, पहले एलेक्साई उसने भी हमें धोखा दिया, फिर NTT ने भी हमको धोखा दिया। भाई ये पता नहीं ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो टेडी देखो भाई अभी बात है क्या, अभी हम उनकी गुलामी कर रहे हैं, अगर अभी हम उनका कहा नहीं मानेंगे ना तो हो सकता है वो हमें अभी खत्म कर दे और हमारी टेडी टेम्पी तो उन्होंने हड़पी लिया ऑलरेडी पहले से। भाई मैं तो बोल रहा हूँ इससे बढ़िया भाई खत्म ही कर दे हमें, भाई ये गुलामी वाली जिंदगी जी के फायदा क्या है। लेकिन हम गुलामी सुनो हम ऐसा कर सकते हैं, हम इनके सामने तो गुलाम रहेंगे लेकिन हम पीछे से एक प्लान बना सकते हैं जिससे कि हम इनसे छुटकारा पा सके और भाई कहीं जा सके जहां अपनी अब नई टाइम पे शुरू कर सके। लेकिन हम तो कहीं पे भी जाएंगे, हीरो ब्रेन तो ढूंढ ही सकता है ना हमको। बात तो सही है, हम किसी दूसरे सर्वर में भी जाएंगे वहां भी हीरो ब्रेन आ जाएगा, उसने बोला नहीं था अब जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ और भाग के अगर किसी दूसरे सर्वर में गए तो वहां पे भी हम आ जाएंगे। भाई देखो ऐसे मनमानी चलेगी तो हम खेलना तो नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाई तुम्हें लग रहा है कि इन चार दीवारी में हम कैद होकर कुछ कर सकते हैं, ना हमारे पास कोई आर्मर है ना टूल्स है ना कोई मदद करने वाला है, भाई हर तरफ से अब हम हार चुके हैं। भाई अगर दिमाग लगाएंगे कुछ ना कुछ तो हो जाएगा टेडी, देखो यार क्या करे मतलब और हाँ हिम्मत नहीं हारनी है। गाइस तुमने एक चीज ध्यान दी, जब मैं हम फेक टेडी को ट्रैप करके मैं उसकी जगह लेके इनकी मीटिंग में गया था तो वहाँ पे एक चेयर खाली पड़ी थी और फेक ऋषभ ने पूछा था वो कहाँ रह गया, तो हीरो ब्राइन ने फिर उसको एक बात बोली थी, पता नहीं क्या बोला था, लेकिन इस बात से एक तो पता चलता है कि वो जो 6th मेंबर था वो NTT 303 था। और भाई किस्मत भी देखो उनका साथ दे रही है, अगर वो उस दिन मीटिंग में आ जाता उनकी तो भाई मेरे को पता चल जाता कि NTT 303 भी उनकी तरफ है ना, ये सारा कांड होता और हम टूर्नामेंट भी जीत चुके होते अभी तक। लेकिन ये तो सबका प्लान था ना एंटिटी को हमारे साथ घुल मिलने के लिए भेजना और फिर हमको ट्रैप करवा देना। भाई वही तो, ये ना एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, तुम ध्यान से देखो तो पहले तो हीरो ब्रेन की तरफ हुआ और स्टार्टिंग में ही उन्होंने हमको ये नहीं दिखाया कि एलेक्सा और एंटिटी भी हमारी तरफ है, उन्होंने धीरे धीरे भाई अपने राज खोले, पहले एलेक्सा को भेजा फिर एंटिटी को भेजा और भाई हर तरफ से अब हम फंस चुके हैं। भाई असली मास्टरमाइंड तो वो बंदे हैं जो उधर हीरो ब्रेन के साथ मजे कर रहे हैं, हम तो भाई ऐसी पागल बन गए इतना दिमाग लगा के भी। अभी फिलहाल के लिए अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ खड़े रहना ऐसे ही तो हो सकता है हीरो ब्रेन को शक हो जाए, तो एक काम करते हैं पहले तो उनकी तैयारी करते हैं फिलहाल के लिए और कुछ सोचते हैं फिर अगर कुछ कर पाए तो। ठीक है तो फिर हाँ यही कर लेते हैं। और गाइस देखो तीन क्वेश्चंस उठे थे उस मीटिंग के बाद में, पहला कि वो किसी एक और ट्रायो के पीछे पड़े हुए हैं और दूसरा उनकी टीम में कोई 6th मेंबर भी है
और तीसरी बात कि वो किसी चीज के लिए उनको टाइम चाहिए, जिसमें से हमें एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है कि उनकी टीम का एक जो लास्ट मेंबर था वो था NTT 303, लेकिन अभी भी हमको दो सवालों के जवाब नहीं मिले हैं कि वो हमारे अलावा किस दूसरे ट्रायल के पीछे पड़े हुए हैं और उनको किस चीज के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास अभी के लिए सिर्फ फिलहाल एक ही प्लस पॉइंट है कि हम SMP के अंदर है और अब हम इन पे नजर रख सकते हैं काम करने के बहाने में और इन दोनों सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलो फिलहाल के लिए हम लग जाते हैं काम पे। तो सबसे पहले हमारे पास टूल्स और आर्मर कुछ भी नहीं है और कुछ बनाने के लिए हमको भाई टूल्स एंड आर्मर तो चाहिए ही चाहिए होगा। हाँ तो हम बनाएंगे भाई, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। एक काम करते हैं, हाँ हीरो ब्रांड से पूछ के ले लेते हैं कुछ, अगर हेल्प कर दे वो भाई। तुम्हें लग रहा है कि वो हमारी हेल्प करेगा? भाई करनी तो चाहिए क्योंकि हम देखने जाए तो उनका ही काम कर रहे हैं एक साइड से। ठीक है तो फिर एक काम करते हैं, चलो चलते हैं उसके पास। भाई मेरे को तो नहीं लग रहा है वो हमारी हेल्प करेगा भाई, वो जितना अच्छा था ना पहले अब उतना ही बुरा बन चुका है भाई। लेकिन टूल्स के अलावा काम करना तो हार्ड रहेगा फिर भाई, वही तो स्टोन के पिकेक्स से तो बहुत टाइम लग जाएगा। और भाई कुछ खाना भी ले लेना क्योंकि हमारी हेल्थ भी बहुत कम होती जाएगी। ठीक है ओ बोरा हीरोब्राइन, हेलो हेलो हीरोब्राइन, भाई सुन भी नहीं रहा अब तो, देख रहे हो सुना सुना इसने देखा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ भाई इधर आओ, हमें काम है तुमसे। हाँ हाँ भाई ये लाइटनिंग करके आना तो जरूरी है बहुत ज्यादा। चलो भाई आगे। देखो तुमने हमें अभी पार्टी के अरेंजमेंट करने के लिए बोला है और साथ में तुमने हमारे टूल्स और आर्मर वगैरह सब कुछ छीन ले, तो हम तैयारी करें कैसे? क्योंकि स्टोन के टूल्स वगैरह से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें भाई, डायमंड की पिकेक्स वगैरह और आर्मर वगैरह तो, क्योंकि मॉब्स वगैरह से भी हमें लड़ना होगा। क्या है भाई ये क्या कह रहा है? जाओ जाके सब कुछ खुद करो, मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करने वाला। ये क्या बात हुई भाई? एक तो भाई तुम्हारा काम कर रहे हैं हम, चुपचाप हमें डायमंड की पिकेक्स वगैरह दो भाई, हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, कोई अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। ठीक है भाई ये क्या बात हुई, हेल्प तो करनी चाहिए यार भाई। वही तो क्या बोल रहा है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम गुलाम और गुलाम की तरह रहो, गेट लॉस्ट लूजर्स। भाई देख बात ऐसी है ना हीरोब्राइन, देख तेरे को ही पता है और हमें भी पता है अच्छे से कि तुमने चीटिंग करके टूर्नामेंट जीता है और तुझे तो हमारे देख रहे भाई रोटन फ्लैश दे रहा भाई, भाई रोटन फ्लैश दे रहा भाई, तुम ही खा लो भाई हमको नहीं चाहिए भाई। खुद रख जाके अपने उन बंदों को खिला, अपने उन कुत्तों को खिला जो तूने पाल रखे अंदर। भाई सुन ध्यान से, एक तो हम तुम तेरे लिए काम करें, तेरे को ही पता है कि टूर्नामेंट तुम सबने चीटिंग करके जीता हमसे। ठीक है और वैसे भी तुम अपनी पावर्स की दोस्त जो दिखा रहे हो ना, अगर तुम कोई नॉर्मल प्लेयर होते ना तब बताते भाई तुम्हें। खैर अभी हम जा रहे, छोड़ो भाई इस बंदे से बहस करना बेकार है, अपनी पावर्स की दोस्त दिखाता रहता है जब देखो भाई। भाई मार भी रहा है, मार क्यों रहा है भाई, एक तो काम भी करा रहा है, मारना भी अलग भाई। क्या है भाई ये क्या भाई, ठीक है ना अब गुलामी कर रहे हैं तेरी तो, इतना बुरा बर्ताव तो मत कर एटलीस्ट भाई। कुछ देना ना हो तो ना दो, पर मार क्यों रहे हो यार भाई। ये अपने पास रख जाके अपने कुत्तों को खिला, चलो भाई भाई हाँ हम खुद कर ले, कुत्ते पाल रखे ना उनको खिला दे भाई, हमको नहीं चाहिए। चल भाई ऋषभ आ जाओ गाइस, एटलीस्ट हम फार्म से तो ले सकते हैं ना। हाँ ना भाई हमारे पास फार्म से, चलो आयरन के टूल्स बना सकते हैं हम। ठीक है ठीक है, एक सेकंड ये वहां भी आ रहा है भाई। भाई ये तो हमारा है सब, वही तो, ये तो ऋषभ ने बनाया था तो हम तो भाई यहाँ से तो खाने ले ही सकते हैं। चलो गाइस मैंने यहाँ पे बहुत सारा खाना बना लिया और मैंने तो अपनी हेल्पफुल कर लिया, लो तुम भी ले लो एक एक स्टैक। पांडा लाओ मेरे को थोड़ा दो, हाँ ये लो मैं थोड़ा बहुत आयरन लेके आ गया यहाँ से। ठीक है ठीक है, ये लो आर्मर वगैरह बना सकते हैं इससे। ठीक है तो आयरन के टूल्स बना लेते हैं फटाफट, मैं तुम सबको बना के देता हूँ। एक जने का आर्मर तो बना लिया, ये लो लाओ भाई मेरे को दे दो। हाँ सबसे पहले एक जना ले लो, अब मैं दूसरे जने का बना रहा हूँ, एक सेकंड बस। ये लो भाई ऋषभ मेरे आर्मर एंड टूल्स के लिए, भाई आयरन कम बचा यार मैं लेके आया एक सेकंड। और टडी भाई काम कर सकते हैं ना, हमारे घर पे थोड़े बहुत डायमंड वगैरह भी होंगे तो हम डायमंड के टूल्स भी बना सकते हैं ना। ऋषभ तुम्हारे घर में थे? हाँ मेरे 8 डायमंड पड़े हैं बस वहाँ पे, लेकिन ठीक है चलो तो लेके आते हैं, लेट्स गो। चलो भाई एक सेकंड, भाई जाओ ना अंदर भाई, अंदर नहीं जा पा रहे ये, देखो 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 अंदर नहीं जा पा रहे हम भाई। ये क्या भाई, रहने दो ये उन्हीं का काम है भाई, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि हम घर के अंदर ही नहीं घुस पा रहे भाई। यार इन्होंने कुछ सब हथियार लिया है भाई हमारे हाथों से भाई, क्या करे भाई मूड खराब हो रहा है मेरे तो। खैर छोड़ो अभी हमको जो काम दिया गया वो फटाफट करते हैं और अब कैसे भी करके SMP के अंदर रह के हमको अपनी SMP वापस लेनी है। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कोबलस्टोन वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं थोड़े, ठीक है। अरे तो हम यहाँ पे क्यों आए कोबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए, मैंने एक वो बना रखी है। लेकिन वहाँ से तो एक ही जना कर सकता है ना, तो ऐसे एक काम करो एक बंदा वहाँ पे चला जाओ और दो बंदे यहाँ से माइन करते रहो भाई। कितने कोबलस्टोन लगेंगे हमें कम से कम?
देखो वो कितने जने हैं टोटल, 3-6 जने हैं, ठीक है। तो 6 जनों के हिसाब से हमको एक पार्टी की जगह बनानी है, तो उस हिसाब से हमको चाहिए होंगे कम से कम 10 स्टैक कोबलस्टोन तो चाहिए चाहिए। ठीक है 10 तो हो जाएंगे आराम से। ठीक है तो गाइस मैंने ना 3 स्टैक से भी ज्यादा कोबलस्टोन कलेक्ट कर लिया। ऋषभ तुमने कितने करे? मैंने भाई 4 स्टैक हो चुके मेरे कलेक्ट। ठीक है तो इनफ होंगे, बीच में जरूरत पड़ेगी तो लेने आ जाएंगे। ठीक है पांडा तुमने कितने कंक्रीट वगैरह कलेक्ट कर ली? 3 स्टैक कंक्रीट हो चुके हैं डन। ठीक है तो फिर चलो बनाने स्टार्ट करते हैं, जिस चीज की जरूरत पड़ती जाएगी वो लेने आते रहेंगे। ठीक है लेकिन बनाना कहाँ पे है? ठीक है तो उसके लिए जगह भी ढूंढ लेते हैं। आ जाओ गाइस तुम दोनों कहाँ पे हो? मैं तुम्हारे साथ ही हूं। ओके तुम भी आ गए, चलो भाई जी सब भी आ गए, पांडा भी आ रहा। तो चलो फिर फटाफट एक काम करते हैं, मेरे हिसाब से तो हम ऐसा करते हैं मेरे घर के साइड में बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी जगह खाली पड़ी पानी के ऊपर। हाँ पानी के ऊपर बनाते हैं, और क्या हमको ज्यादा माइनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी अंडरग्राउंड। हाँ बात तो है भाई, मस्त भी लगेगा वहाँ पे पता है। हाँ तो चलो फिर वहीं पे बनाते हैं। ऐसा करते हैं ना यहाँ से एक मस्त सा रास्ता बनाते हैं और फिर आगे की थोड़ा वो बना देते हैं। ठीक है तो चलो फटाफट फिर एक रास्ता बनाते हैं। कितना बड़ा रास्ता ठीक होगा? हाँ बहुत है बहुत है। अब एक छोटा सा स्टेज टाइप बना लेते हैं। एक काम करते हैं सबसे पहले एक बड़ी सी जगह बनाते हैं, तो एक साइड थोड़ा बड़ा स्टेज बना देंगे जहाँ पे लाइक हीरो ब्रांड वो सब रहेगा, एंड नीचे ऑडियंस के लिए चेयर वगैरह बना लेंगे तो सही लगेगा मेरे हिसाब से। ठीक है तो चलो फिर जगह को फटाफट बड़ी करते हैं। हे गाइस तो सारी तैयारियां हो चुकी है, यहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, ऊपर डीजे बना दिया है और साइड में छोटी छोटी दुकानें बना दी है और यहाँ पे बैठने के लिए उनके जगह बना दी है। तो अब हमें और क्या करना है? बाकी मतलब ऑलमोस्ट हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत सामान है जो पांडा तुमको बता देगा हमें, लेकिन वो हीरो ब्रांड से चाहिए होगा, अगर हम खुद लेने गए तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। ठीक है तो बताओ पांडा क्या क्या चाहिए हमें? ठीक है तो मैं जा रहा हूँ हीरो ब्राइन के पास ये सारी चीजें लाने, 2 बीकन, गन पाउडर, पेपर, प्रोग्लाइट, केक, ऑकवर्ड पोशन, स्पाइडर आई, ब्रू स्टैंड, ब्लेज पाउडर और पंपकिन पाई। ठीक है। एक चीज आएगी डीजे को चलाने के लिए, हमें 2 चीज तो चाहिए, एक चाहिए हमको जूक बॉक्स। हाँ, जूक बॉक्स तो रहेगा और कोई भी डिस्क। डिस्क हाँ भाई ठीक है, जो उनकी मनपसंद डिस्क होगी वो अपने हिसाब से दे देंगे। ठीक है ठीक है गाइस, तो अब देखो मैं उनको बुला के लाऊंगा, सामान लेके आऊंगा, हम फटाफट तैयारियां कर लेंगे और उनको बोल देंगे कि थोड़ी देर में वो सब आ जाए। इसके बाद हम सारी चीजें यहाँ पे लगा लेंगे, केक वगैरह हम इधर लगा देंगे और ब्रू स्टैंड से हम बनाने वाले हैं पोशन ऑफ वीकनेस, समझ गए ना? ठीक है तो मैं पोशन ऑफ वीकनेस बना के यहाँ पे रखूंगा और हम उन सबको जब वो सब मतलब पार्टी करने में बिजी होंगे तो मैं उन सभी को जाके फटाफट पोशन ऑफ वीकनेस पिला दूंगा। ठीक है तो पोशन ऑफ वीकनेस पिलाती क्या होगा कि उन सबकी थोड़ी जो ताकत है वो कम हो जाएगी, हीरो ब्राइन से लेकर उन सबकी। ठीक है और पोशन ऑफ वीकनेस मैं पिलाऊंगा उनको बिल्कुल लास्ट में जब पार्टी खत्म होने वाली होगी, और पोशन ऑफ वीकनेस पिलाने के बाद हम उनको बारी बारी करके एक एक करके निकाल देंगे यहाँ से, और किसी भी एक बंदे को हम पकड़ेंगे एंड देन इसके बाद हम उसको यहाँ पे खड़ा करेंगे और हमें कैसे भी करके ना उसको बस बातों में उलझाना है, और बातों में उलझाने के बाद जब वो सारे चल जाएंगे बचे हुए और जब सिर्फ एक बंदा बचेगा चाहे वो कोई भी हो हीरो ब्राइन के अलावा, हम किसी भी एक बंदे को ट्रैप करेंगे। ठीक है एंड देन इसके बाद मैं जैसे ही एक इशारा करूँ ठीक है तुम फटाफट इसको तोड़ देना और हम इस ट्रैप में गिरा देंगे, और इस ट्रैप में गिराने के बाद अगर उसने इधर उधर कहीं पे भागने की कोशिश करी तो वो वैसे भी लावा से मर जाएगा, तो वो कहीं नहीं भाग सकता, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो ऊपर से आके निकले। अब क्योंकि उसको पोशन ऑफ वीकनेस मिल रखी होगी तो वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि उससे बातें उगलवा सके, और वैसे भी हम गुलामी कर रहे हैं तो इससे ज्यादा बुरी सजा और क्या ही होगी, और हीरो ब्रांड को कुछ ना कुछ टाइम में पता ही चल जाएगा कि हमने उनके एक दोस्त को ट्रैप कर दिया है, तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है तो फिलहाल तुम हीरो ब्रांड के पास पर चले जाओ, उसे सामान लियो और उनको बोल देना कि थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। ठीक है और तुम फटाफट देख लो कि सारी तैयारियां हो चुकी है कि नहीं, और एक बार फिर से ठीक है मैं जा रहा हूँ सारा सामान लेके आता हूँ फटाफट। हीरो ब्राइन भाई पता नहीं कहाँ रह गया भाई, ये बंदा आ ही नहीं रहा है, इतनी देर हो गई। हेलो हीरो ब्राइन लगता बाप, एक मिनट आ गया। हाँ तो देखो पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी है, कुछ टाइम में तुम अपनी गैंग को लेके आ जाना, और फिलहाल के लिए हमको कुछ सामान चाहिए जो जिसकी पार्टी में जरूरत होने वाली है, तो फटा क्या हो गया भाई, क्या कह रहा है ये? ठीक है देखता हूँ,
गो एंड कलेक्ट बाय योरसेल्फ, ठीक है? हम जाके खुद कलेक्ट करें तो बात ऐसी है ना कि पार्टी तुम्हारी है, हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला उसमें। और अगर तुम कह रहे हो कि सामान कलेक्ट करना है तो ठीक है, हम एसएमपी के बाहर जाके कलेक्ट कर रहे हैं, कि वो सारा सामान इन चार दीवारी में तो मिल नहीं सकता, ठीक है? तो हम बाहर जाके खुद कलेक्ट कर रहे हैं। क्या है भाई, अजीब ही बात करता है ये बंदा। ओके तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। हाँ तो अब भी तो आई लाइन पे, ठीक है? तो देखो जो जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे सामने फेंकते रहो। सबसे पहले चाहिए दो बीकन चाहिए हमको, ठीक है? हमको नेक्स्ट चाहिए गन पाउडर और पेपर, ठीक है? नेक्स्ट चाहिए हमको चाहिए फ्रॉग लाइट और केक, ऑकवर्ड पोशन चाहिए नेक्स्ट, स्पाइडर आई और ब्रू स्टैंड। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने सारा सामान ले लिया है, ठीक है? तो कुछ टाइम में तैयार होकर अपनी गैंग को लेके आ जाना। वी वॉन्ट गुड पार्टी भाई, जैसा हमसे इंतजाम हो चुका है इस चार दीवारी में रह के, हमने वैसे इंतजाम किया है, ठीक है? अपना पैसा दिया है तो ज्यादा उम्मीद मत रखना और चुपचाप तैयार होकर आ जाना, मैं जा रहा हूँ। तो चलो गाइस फाइनली मैंने सारा जरूरी सामान कलेक्ट कर लिया, ठीक है? पॉइजन तो बन गया। और एक सेकंड भाई, मैं तो फर्मेंटेड स्पाइडर आई लाना भूल ही गया यार। ठीक है तो मैं जाके एक बार उससे मांगता हूँ, कुछ पूछेगा तो मैं देखता हूँ, मैं उसको जवाब दे दूंगा कि बस चाहिए हमें। तुम एक बार फिर से देख लो सारी चीजें जगह पे है कि नहीं, क्योंकि सारा काम हो चुका है, ठीक है? ठीक है ठीक है। तो चलो गाइस अगेन मैं पहुंच चुका हूँ। एंड हीरो ब्राइन, हेलो हीरो ब्राइन, ये भाई ये वाओ, ये तो नहा धो के तैयार हो रहा है मेरे हिसाब से। तो एक लास्ट चीज रह गई है, सिर्फ फर्मेंटेड स्पाइडर आई दे दो, बस देना है तो दो। हाँ ठीक है, चलो बाय, आ जाना कुछ टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने डाल दिया फटाफट वाटर बोतल और बन चुका है अपना पोशन ऑफ वीकनेस। और चलो गाइस अब फटाफट मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है, बस अब हमें उनके आने का वेट करना है, तो चलो फिर वेट कर लेते हैं। अरे भाई देखो वो आ गए, लेकिन हमें इस चीज कैसे भूल गए। क्या भूल गए भाई? भाई उनका हमें आर्मर उतरवाना था और उसके लिए कैक्टस चाहिए था ना। अरे भाई इतनी मेन चीज तो भूल गए हम, ठीक है? वो आने वाले हैं। ओ आ गए वो, यूरोप लाइन आ गया। ठीक है भाई यार सबसे मेन चीज तो हम भूल गए। ये आ चुका है, हेलो यूरोप लाइन। वेट पहले सब आ जाओ तुम। वेट देखो हमसे जितना इंतजाम हो सका हमने किया है, ठीक है? तो हमने और साथ में देखो पार्टी में अगर तुम सब आ रहे हो तो प्लीज पार्टी के माहौल से ही आओ। आप सभी ये अपना अपना आर्मर उतार दो और उतार के मैं तो बोलूंगा कैक्टस में फेंक दो, क्योंकि तुम सबके लिए तो नेदरराइट आर्मर कोई बड़ी बात नहीं है, हीरो ब्राइन चुटकियों में तुम्हें दे सकता है। और तुम सबके साथ में हीरो ब्राइन है तो तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं है हमसे, बिकॉज हमारे पास तो आयरन का आर्मर है, हम क्या ही कर लेंगे। तो प्लीज पार्टी को पार्टी की तरह लेके अपने अपने आर्मर प्लीज कैक्टस में फेंक दो। तो चलो गाइस सारे अपना आर्मर कैक्टस में फेंक रहे हैं, लेट्स गो, ठीक है? एंड टूल्स भी फेंक देना, क्योंकि आप सभी यहाँ पे पार्टी इंजॉय करने आए हो। और थैंक यू सो मच हमारी बात मानने के लिए। अरे ये सारे इंतजाम हमने कर रखे हैं, तो चलो फिर आ जाओ, आप सभी का पार्टी में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए मेरे पीछे पीछे आइए, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी टूर्नामेंट जीते हैं और मेरे ख्याल से चीटिंग करके जीते हैं ना। हाँ ठीक, अरे ठीक है कोई नहीं, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से जीते हैं। तो सबसे पहले आप आइए हीरो ब्राइन और ये केक काटिए और मैं जाके म्यूजिक चलाता हूँ। गाइस म्यूजिक डिस्क किसके पास लगा दो, आइए ठीक है? तो केक काटो, फिर केक काट के पार्टी की स्टार्टिंग हो जाएगी, लेट्स गो। चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन पांडा और ऋषभ, ताली बजा सकते हो तुम, ठीक है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप एक काम करिए, आप अपनी अपनी सीट पे बैठ सकते हैं, हम आपके लिए कुछ खाने का आइटम देंगे, ठीक है? तो हमने सारी चीज़ों का इंतजाम कर रखा है। अगर आपको केक वगैरह खाने हैं तो आप यहाँ पे लेफ्ट में जाके खा सकते हो केक, और साथ में हम आपको खिलाएंगे पम्पकिन पाई। तो ये लो फेक ऋषभ, आप पम्पकिन पाई खाइए, फेक टैडी और हीरो ब्राइन पार्टी इंजॉय करिए, ये लो पम्पकिन पाई, ठीक है? तो अब आप डांस वगैरह भी कर सकते हैं। ये हीरो ब्राइन क्यों डांस कर रहा भाई? हीरो ब्राइन को क्या हो गया, इसने मुंह के नीचे कर रखा है। लेट्स गो, ये भाई लेट्स गो। तो चलो गाइस काफी देर डांस कर लिया मेरे हिसाब से तो हमने, भाई काफी टाइम हो गया भाई, ठीक है? रुको मैं म्यूजिक बंद करके आता हूँ, कुछ ज्यादा एंजॉय कर लिया। तो ठीक है हीरो ब्राइन, हम ऑलमोस्ट भाई एक घंटे से नाच रहे हैं और बेक पांडा तो अभी तक नाच रहा है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना इनफ है।
तो अब आप अपने अपने घर जा सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो लास्ट में रुकेगा उसी को रोक लेंगे। ओके, ओ ये फेक ऋषभ गए। फेक ऋषभ क्या गाइस? लेकिन फेक टैडी अभी में ही खड़ा है। एक सेकंड, वो जाके वहाँ पे शायद केक खा रहा है, उस पर ध्यान रखो। ठीक है, सब गए। ठीक है फेक ऋषभ को रोक लेते हैं। अब इसको जान नहीं देना गाइस। ठीक है, ध्यान से। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हेलो भाई, क्या हो गया? सारे केक खा के जाओगे क्या आज? हेलो फेक ऋषभ भाई, केक बहुत पसंद आया क्या? ठीक है, तो फेक ऋषभ एक सेकंड। हेलो यार, मेरे को ना तुमसे एक बात कहनी थी कि भाई तुम टूर्नामेंट में मानना पड़ेगा भाई। क्या ही लड़े, मतलब मजा ही आ गया। मतलब तुमने पांडा को हरा दिया, पता है? पांडा मतलब ठीक ठाक उसकी पीवीपी, और तुमने उसको क्या ही हराया, मानना पड़ेगा भाई। है ना गाइस? पीवीपी देख के हाँ भाई, मैं डर गया था भाई, क्या खेल रहा था बंदा भाई, क्या ही खेले तुम, मतलब मानना पड़ेगा। क्या तुम मेरे को अब पीवीपी करना सिखाओगे? ठीक है, तो ओ शिट गाइस, हमने इन सब के लिए ड्रिंक्स भी तो बनाई थी, मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई ड्रिंक्स। ओके, तो भाई वो तो भूल गए भाई, और सब तो चले गए यार। यार शिट, सब चले गए। तो फेक ऋषभ प्लीज यार, तुम ये वाली ड्रिंक पी के मेरे को बताओ ना कैसी है। भाई बहुत मेहनत से बनाई है, ट्राई कर। प्लीज यार, हम उनको तो देना भूल गए, प्लीज तुम एक बार ट्राई करो। ये लो, चलो पी के बताओ। तो फेक ऋषभ कैसी लगी तुम्हें? गाइस लेट्स गो, जल्दी तोड़ो जल्दी। यस गया। ओ ये व्हाट्सअप ब्रो। ठीक है, तो फेक ऋषभ आप ध्यान से सुन ले, हमने तेरे को पिलाया पोशन ऑफ वीकनेस, और अगर तूने मैं जो आप पोशन दे रहा हूँ वो नहीं पिया तो हम तेरे को लावा में मार देंगे। और देख, आसपास के ब्लॉक्स वगैरह तोड़ने की कोशिश मत करी, वैसे भी तेरे पास टूल्स और आर्मर तो हमने उतरवा लिए हैं। चुपचाप ये पोशन पी, वरना लावा से तेरे को जल के तो वैसे भी मरने वाला है, तो तेरे को हम बहुत बुरा मारेंगे। जल्दी पी जल्दी। पी रहा है कि नहीं, या फिर तेरे को लावा छोड़ तेरे ऊपर? पी जल्दी जल्दी पी, वरना लावा इस ब्लॉक को तोड़ती तू लावा में डूब के मर जाएगा। जल्दी कर, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी, वरना तेरे को सोर्ड से ही मैं मार दूंगा। तो अपनी बेइज्जती कराना चाहता है तो उससे अच्छा वो पोषण पी ले। ठीक है, तो अब मैं जो जो तेरे से पूछता जाऊँगा उसका जवाब देता जा। देखो, तुम सबसे पहले ये बता कि वो जो ट्रायो हमारे अलावा कौन सा दूसरा ट्रायो है जिसके पीछे तुम पड़े हुए हो, और एंटिटी और एलेक्सा इसमें क्यों नहीं आए पार्टी में? बता जल्दी जल्दी लिख के बता, वरना तेरे को लावा से मार देंगे। एक हिट का है तू सिर्फ। और एक चीज़ और बता फटाफट हमको कि तुम आखिर किस चीज़ के लिए मतलब अपना प्लान बना रहे हो, और किस चीज़ के लिए तुमको टाइम चाहिए? देख तेरा हाफ हर्ट बचा होगा, मेरे को ही पता है, तो फटाफट बता मेरे को, वरना एक हिट में मार दूंगा तेरे को। जल्दी बता। दे रहा है तो मैं लेके आता हूँ, बुक दे फटाफट। ठीक है, मैंने बुक ले लिया। ओके मैं आ रहा हूँ। तो ये बुक में इसने लिखा है, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर एंटिटी और एलेक्सा गए हैं वो दूसरे ट्राइव को चेक करने। बट भाई तब ओ एक सेकंड, क्या हुआ भाई? अरे शिट भाई, हीरो बना दिया पीछे। अरे कुछ नहीं, हम बस ये गलती से यहाँ पे गिर गया था जब हम ये जगह बना रहे थे, तो बस यही हुआ भाई। लगता है इसे पता चल गया गाइस, इसको पता चल गया। ठीक है बाहर निकाल लें उसे, बाहर निकाल रहे हैं। आजा भाई बाहर, आजा बाहर, आजा। हमने कुछ नहीं किया, लिटरली हमने कुछ नहीं किया, बस हमने कुछ नहीं किया, बस ये यहाँ पे गिर गया था तो हमने इसको बाहर निकाला है। क्या हो गया भाई? तो जाओ, अब पार्टी ख़त्म हो गई है, तुम जा सकते हो। तुम जा, क्या है, क्या कर रही है? व्हाट आर यू डूइंग हियर? अरे कुछ नहीं बताया तो अभी, बस ये यहाँ पे गलती से गिर गया था तो हम इसको निकाल रहे थे, और कुछ नहीं है, बस यही बात है। ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मेरे को पता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा, लूजर्स। ओ अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि हम उससे क्या पूछ रहे थे। तो देखो, बात ऐसी है कि तुम्हारा जो भी प्लान हो उस तक तो हम पहुँच करेंगे, तुम्हारे अंदर दम है तो रोक के दिखाओ हमको। तुम हमसे गुलामी करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो, पर तुम हमें रोक नहीं सकते। ठीक है, नाउ एज योर पनिशमेंट गो एंड गेट 10 लाख कोबलस्टोन फॉर मी। वाह, मांग कोबलस्टोन मांगे भाई, उसने कोबलस्टोन का वो कुछ नहीं करेगा भाई, कुछ नहीं करेगा वो, बस उसने हमें पनिशमेंट दी है भाई, मजदूरी करवा रहा है सीधा से। कोई नहीं गाइस चलते हैं आज, छोड़ो निकलते हैं। फिलहाल तो हमें बस पता चल चुका है ना कि एंटिटी और एलेक्सा को भी इन्होंने अपने काम पे लगा रखा है। अब भाई एक चीज़ तो हमको पता चल चुकी है गाइस कि एंटिटी एलेक्सा ये सब सिर्फ एक प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो प्लान पता नहीं क्या है भाई, कैसे पता करें ये हमको सोचना पड़ेगा यार। लेकिन फिलहाल की बात करें सजा के तौर पे हमको 10 लाख कोबलस्टोन ब्लॉक कलेक्ट करने हैं, तो चलो फिर चलते हैं कलेक्ट करने। लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? लेकिन एक सेकंड गाइस, इस घर से मेरे को कुछ याद आया।
स्प्लिट बट पांडा पांडा जल्दी आओ। हाँ इस घर से मेरे कुछ याद आया। ओ जल्दी आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ ऊपर बंद करना। ओ एक सेकंड भाई। हेलो डैडी भाई ये क्या है? हेलो भाई गाइस ऊपर बंद करा तुमने? तो मैं बंद करता हूँ ठीक है मैंने बंद कर दिया। गाइस तुम्हें अगर याद हो तो मैंने ना टेडी एसएमपी के एपिसोड 2 या 3 में एक सीक्रेट बेस बनाया था लेकिन वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, वो एक नॉर्मल बेस था भाई। भाई वो बिल्कुल नॉर्मल बेस था और यहाँ से मैं सीधा माइनिंग करके हीरो ब्राइन के सीक्रेट बेस में गया था जहाँ पे मैंने वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि वो उसने चीटिंग से बनाया था। लेकिन ये ऐसा तो नहीं था भाई। क्या क्या रखा चेस्ट में? रॉकेट, इतने सारे सर्कल बॉक्स, रॉकेट, सोर्ड और यहाँ पे भाई आर्मर। भाई ये सब करा किसने? ये सब करा किसने पता नहीं। Wait, what? ये हीरो ब्रेन का काम हो सकता है शायद। ये भी तो हो सकता है कि उनका सीक्रेट बेस हो और हम यहाँ पे आ गए। वो फेक बंदे का हो सकता है शायद क्योंकि यहाँ पे 3 आर्मर है देख रहे हो। हाँ 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 ये 3 आर्मर ये होना हो उन्हीं फेक बंदों का। तो हम एक काम करते हैं ना गाइस, हम ये आर्मर अपनी अपनी इन्वेंटरी में रख लेते हैं। एक तुम रख लो एक मैं रख लेता हूँ, मतलब सब एक एक रख लो, सब एक एक रख लो। गाइस हम अब इलेक्ट्रा की मदद से शायद एसएमपी से बाहर भी जा सकते हैं दीवार से ऊपर उड़ के। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कहीं वो लोग अगर हमको देख लेंगे ना तो सीन हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है गाइस। अब देखो हमारे पास सब कुछ आर्मर एंड टूल्स वगैरह आ चुके हैं तो अब जो करना है हमें सोच समझ के करना है ठीक है। तो सामान ले ले चलो निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले हीरो ब्राइन यहाँ पे आके और हमसे ये सारा सामान वापस ले। चलो लेट्स गो और अब चलते हैं माइनिंग पे। जल्दी बाहर आ जाओ। डर्ट किसके पास थी लगा दो जल्दी यहाँ पे। डर्ट लगाओ जल्दी यहाँ पे। चलो चलो निकलते हैं भाई। चलते हैं आ जाओ जल्दी जल्दी पांडे जल्दी पांडे जल्दी चलो चलो पांडे जल्दी करो लेट्स गो। चलो गाइस फटाफट चलते हैं माइनिंग पे और लेट्स गो। ओ एक सेकंड भाई ये यहाँ क्या कर रहा है? ये हीरो ब्राइन यहाँ क्या कर रहा है भाई? भाई ये भी माइनिंग करना है क्या भाई? वेट बट ये क्या कर रहा है भाई? क्या है भाई अब तो पीछा छोड़ दो हमारा। क्या कहना चाह रहा है ये? तुम लूजर्स कहाँ थे? मैं तुम्हें ट्रैक नहीं कर पा रहा था पिछले कुछ मिनट से। बट भाई हम तो यहीं थे एसएमपी के अंदर, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं यहाँ से बाहर भागने के लिए, हम कहाँ जाएंगे? मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना और जाके अपनी पनिशमेंट पूरी करो। हाँ वही तो करने जा रहे, तुम करने दोगे तो ना बार बार तो आके टपक पड़ते हो तुम। जाओ जाके हमें अपना काम करने दो, जाओ निकलो यहाँ से। चलो गाइस ये उधर तो नहीं जा रहा, उधर तो नहीं गया, ये नहीं गया, ये वहाँ से आ जाओ गाइस। गाइस तुमने एक चीज पे ध्यान दिया क्या? जैसे हम उस अपने सीक्रेट बेस के अंदर गए थे तो वो हमको ट्रैक नहीं कर पा रहा था तो इसलिए वो फटाफट भाग के आया था कि कहीं हम मतलब भाग तो नहीं गए। और देखो वो बात तो सही है। हाँ और वो यहीं पे आया क्योंकि लास्ट टाइम उसने हमें यहीं ट्रैक किया था तो वो यहीं कहीं आके हमें ढूंढ रहा था। मतलब कि अगर हम उस अपने सीक्रेट बेस के अंदर जाएंगे तो हीरो ब्राइन हमको ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो बहुत मस्त चीज हो गई यार अब। हाँ और दूसरी बात यह है कि आखिर वो सीक्रेट बेस इनका नहीं है क्योंकि अगर इनका सीक्रेट बेस होता तो हीरो ब्राइन ट्रैक कर पाता, तो मतलब कि वो सीक्रेट बेस इन्होंने नहीं बनाया। तो आखिर वो सीक्रेट बेस बनाया किसने?